अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबका? क्या हो रहा था? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जो है ना अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। रमज़ान की तैयारियां भी ज़ोरों शोर से चल रही होंगी। अगर वैसे मैं अपनी रमज़ान की तैयारियों की बात करूँ तो मैंने अभी कोई तैयारी शुरू नहीं की, ना मैंने कोई समोसे बनाए हैं, ना मैंने कोई रोल्स बना के रखे हैं। जब भी मैं इंशाल्लाह समोसे या रोल्स वगैरह बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या कुछ बनाया और क्या कुछ स्टोर किया है। तो अभी बात करते हैं आज के व्लॉग की। आज के व्लॉग में कुकिंग विद शेक, मेरा कोई खाना पकाने का मूड नहीं था, खाना पका हुआ था वैसे, दोपहर में हमने वही खाया था। कल बिरयानी बनाई थी और वो आज भी खाई थी दोपहर में, और अभी रात के टाइम खाना बनाने का कोई ऐसा मूड नहीं था। और वैसे भी वीकेंड था तो हमने सोचा कि क्यों ना बाहर जाया जाए, कोई नई जगह डिस्कवर की जाए। तो हमने एक जगह देखी थी इंटरनेट पर पायरेट बे के नाम से, वो अच्छी लग रही थी, तो आज हम वहाँ पे ही जाएंगे और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जगह कैसी थी और एक्सपीरियंस कैसा रहा, खाना कैसा है। और ताकि जब भी आप कभी भी दुबई आएँ या आपका आने का यहाँ पे इत्तेफाक हो, या अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हैं तो आपकी एक लिस्ट में ना एक जगह शामिल हो जाए कि हमें यहाँ पे जाना है। ये हमारा रास्ता जो था वो शुरू हो गया था और हम रास्ते में यही बात कर रहे थे कि पहले दुबई में हर जगह बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइट्स जल रही होती थी, हर जगह बहुत ज़्यादा जगमग जगमग वाला सीन होता था, पर जब से यहाँ पे भी पेट्रोल महंगा हुआ है, सारा का सारा कुछ महंगा हो गया है, तो लाइट वगैरह जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं जल रही होती है अब रास्ते में। नहीं तो पहले होता था, इतनी ज़्यादा ओवर लाइटिंग होती थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, हर जगह एक्स्ट्रा लाइट्स चल रही होती थी। पर आज जब हम जा रहे थे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा अंधेरा भी आ रहा था और इतनी ज़्यादा लाइट नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे बिना पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इवन अब पाकिस्तान में पेट्रोल थोड़ा सस्ता है जबकि यहाँ पे पेट्रोल ना थोड़ा महंगा हो गया है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो ये रास्ता तकरीबन हमारा तकरीबन 10 से 15 मिनट का था, उसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए थे। ये जी हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए थे जिसका नाम है पायरेट्स बे, और ये सिलिकॉन ऑसिस में है। अगर आप लोग दुबई आए तो आप लोग यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है और प्रॉपर थीम को फॉलो किया हुआ है इन्होंने, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ का भी ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है। प्रॉपर जो पायरेट शिप है वो बनाई हुई है, पैरेट भी रखा हुआ है, बहुत अच्छी जगह है, ज़बरदस्त फैमिली प्लेस है। यहाँ पर मैं आपको बाकी भी इसका अंदर से भी इंटीरियर दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे अच्छा सा थीम फॉलो किया हुआ, जैसे पायरेट्स की बोट होती है, शिप होती है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। टेबल्स को भी इसी तरह से इसी की शक्ल दी हुई थी, डिफरेंट मैप्स वगैरह लगाए हुए थे और इसी तरह का थीम फॉलो किया हुआ था। बहुत ही प्यारा सा प्लेजेंट सा सीन लग रहा था और ज़्यादा रश वगैरह भी नहीं था, तो इसलिए ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि जगह तो बहुत ज़बरदस्त होती है, इंटीरियर भी बहुत ज़बरदस्त होता है, फर्नीचर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, पर जब बात आती है मेन चीज़ पे जो कि होता है खाना, तो खाना अच्छा नहीं होता। यहाँ पे ये सीन था कि इंटीरियर तो अच्छा था ही था, खाना भी बहुत अच्छा था और रीज़नेबल प्राइस में था, मतलब इतना महंगा नहीं था ऐसे कि बहुत ही ज़्यादा हवाई छलांगे मारा हो खाना इतना ज़्यादा आउट ऑफ बजट हो जाए, मतलब बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको यहाँ पे खाने को मिल सकता है। और यहाँ पे सी फूड की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, और अभी हम मेन्यू देख रहे थे। मेन्यू मैं जब भी देखती हूँ ना हमेशा मेरा ये मसला रहता है कि मैं शुरू से लेकर एंड तक मेन्यू देख लूँगी, मुझे समझ फिर भी नहीं आएगी कि मैंने खाना क्या, फिर एंड पर आके यही होता है कि वैसे कोई डिसाइड करना पड़ रहा होता है कि अच्छा चलो ये खा लेते हैं, और जब उनको मेरी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि यार तुम कभी क्यों नहीं डिसाइड करती, पर मुझे समझ ही नहीं आती कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, मैं उन पे छोड़ देती हूँ कि नहीं आप बता दें क्या खाना है। तो यहाँ पे हम मेन्यू देख रहे थे जिस पर मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी, फिर आखिरकार हमने आके फ़िश ऑर्डर की और ये हमारी फ़िश आ गई थी। जब मैं खाना खाने लगती हूँ ना फिर मेरे पास कैमरे का सीन नहीं रहता, मैं बिल्कुल साइड पे रह देती हूँ, तो खाना खाते हुए मैंने बिल्कुल साइड पे कैमरा रख दिया और ये हमने खाना शाना खा लिया था। और ये आप मैंने जिस पैरेट की बात की थी वो देखें कितना प्यारा, बहुत ही प्यारा सा पैरेट था, और अजान इसको इससे डर रहा था बहुत ज़्यादा और इसके पास नहीं जा रहा था क्योंकि उसने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी। ये था जी आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जगह भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह लगी थी। काफ़ी जो जगह का नाम था बिल्कुल उसी लिहाज से थीम को फॉलो किया हुआ था, बहुत माइनर डिटेल्स का भी ख्याल रखा हुआ था, और ना सिर्फ जगह बहुत ज़्यादा अच्छी थी बैठने के लिए, खाना भी अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम वीडियो का एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।